आज राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर खनन माफिया ने हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी को मौत के घाट सरेआम उतार दिया, वो भी दम पर तले रौंदकर। अमूमन वर्दी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर अपराधी हाथ नहीं डालते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि उनका खौफ होता है, वो डरते हैं, लेकिन हरियाणा में कैसे खाकी पर खनन माफिया भारी पड़ गया है, देखिए ग्राउंड से ये रिपोर्ट। अवैध खनन वाला एक डंपर धड़धड़ाते हुए आया और अपनी ड्यूटी निभा रहे हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को रौंदता हुआ चला गया। हरियाणा के नूह जिले में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह का यही गुनाह था कि उन्होंने अवैध खनन करने वाले माफिया से लोहा लिया। पहाड़ को मिट्टी में मिलाकर करोड़ों कमाने वाले माफिया की गुंडागर्दी देखिए कि वर्दी का भी खौफ नहीं। करीब 11:30 बजे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध खनन का काम हो रहा है। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे और जो अवैध खनन कर रहे थे यहाँ पर लोग, उन्होंने डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी तमाम आला अधिकारियों को मिली, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। अब कई टीमों को बनाया गया है उन कातिलों को पकड़ने के लिए जिन्होंने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारा है। मंगलवार सुबह डीएसपी सुरेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि पचगांव की पहाड़ियों पर अवैध खनन चल रहा है। अपनी टीम के साथ वो दोपहर 12:15 बजे वहां छापा मारने पहुंचे। सुरेंद्र सिंह ने पहला काम ये किया, अपनी गाड़ी लगाकर अवैध खनन वाले डंपर को रोक लिया। उसके बाद डीएसपी साहब जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, ड्राइवर ने डंपर उन पर चढ़ा दिया। सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और जहां तक भी जानकारी है उसे डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है। बहुत जल्दी हम उस डंपर को ही पकड़ेंगे, ड्राइवर को ही पकड़ेंगे। ऐसे सिपाही को हम वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के बदले में ही और उनको जो सहायता से होता है। ये घटना खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान थी। पुलिस आनन फानन में हरकत में आई। नूह में ही एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें उसे गोली लगी। पुलिस ने इक्कर नाम के उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एग्जैक्ट जो हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट है, बिकॉज हमारी टीम्स काफी फील्ड में है और वी आर वेरी होपफुल कि हमें सक्सेस जल्दी मिल जानी चाहिए। डीएसपी साहब की हमारे जो मृत्यु हुई, दिस वाज अ वेरी सैड इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। डंपर भी हमारा जल्दी रिकवर हो जाएगा, वी विल कम आउट विद द फुल प्रोग्रेस ऑफ द केस वेरी सून। लेकिन एक होनहार पुलिस वाले की असमय मौत का हिसाब कौन देगा जिसे 3 महीने बाद रिटायर होना था, और उन खनन माफियाओं पर क्या इसके बाद नकेल कसेगी जो पहाड़ों को रौंदकर पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।